एक बात को ना आप लोग हमेशा याद रखना कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार खालिस्तान होगी। तो खालिस्तान की जगह आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उतनी ही शानदार क्या होगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यू पैटर्न पर बना हुआ 30 से 40% रिड्यूस्ड सिलेबस में बना हुआ एकमात्र क्वेश्चन पेपर है। और बहुत से लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या यही क्वेश्चन आएगा। तो हाँ भाई, इसी तरीका का ही क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मैथ्स है, गणित है, मतलब ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है इसी के आसपास से आएंगे। नंबर जो है चेंज हो सकते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है सेम इसी तरीका से ही रहेगा। इसलिए आप लोग तीनों सेट के प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे। तीनों सेट से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो चलो सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे हम लोग की तैयारी जो है अच्छी हो जाए और हमारी जो जीत है पक्की हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन वन को देखते हैं, सभी निर्देश को पढ़ लेंगे आप लोग। सभी का आंसर्स मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, सभी को एक नंबर से लेकर के 18वें नंबर के प्रश्न हर किसी का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, यदि 1:2, 3:1 है तो एक्स का मान क्या होगा बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तब आप लोग को क्या करना है भाई, 1/2 लिखेंगे। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप लोग देख चुके भाग वन में, मैं समझा चुका हूँ, है ना। और बराबर 3/x होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीरा गुणा करना है तो एक से एक हम एक से होगा, ठीक। बराबर इन दोनों का गुणा होगा तो 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 6 आएगी, क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, यदि x = 2 और y = कितना है, ऋण 1 है, तब इसका p का मान कितना होगा करके पूछ रहे। तो यहाँ पर एक रखो, x की मान 2 रखो तो 3 × 2 = 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो और यहाँ पर वाई की जगह में रखेंगे तो 2 × 1 = 2, तो 6 में 4 जाए, 6 में 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगी हम लोग का 4, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड को देखते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो यदि उसका वाई अक्ष 0 होगा तो वो एक्स अक्ष पर रहेगा, क्लियर। और ये देखो, ये वाई अक्ष पर, अगर वाई अक्ष पूछा रहता तो हम लोग इसको टिक करते, क्लियर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, चौथा, कि किसी चक्री चतुर्भुज का एक कोण, ठीक है, एक कोण को 100 अंश है बोल रहे, तो दूसरा कोण उसका सम्मुख कोण कितना होगा। हम लोग को पता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां पर 100 है तो 80 की जरूरत है, तो 80 होगी इसकी आंसर, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। ये देखो, दोनों तो ऊपर नीचे कटेगा ही कटेगा, एनी हाउ करके, फिर 2 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 2 का वर्ग कितनी हो जाएगी, 4, तो ये हो जाएगी इसकी आंसर, क्लियर है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद TN = 4A - 1 है तो 5वां पद क्या होगा बोल रहे, है ना। तो 5वां पद जहां पर एन है वहां पर 5 रख दो, तो 5 × 20 हो जाएगा, एन की जगह रखेंगे तो -1 है तो 20 में 1 जाएगा, तो आंसर कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, क्लियर। उसी तरह दूसरा देखते हैं, tan 90 - θ = cot θ है तो थीटा का मान कितना होगा बोल रहे, तो थीटा का मान जो है 34 अंश होगा, क्लियर। अगली क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तीसरा, चौथा, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, आपको फॉर्मूला याद है तब हो जाएगा, एक तो होता है 1/2 और एक तो होता है 1/3, ये पृष्ठीय का होता है तो 2/2 इसकी आंसर हो जाएगी, क्लियर। इसमें x का मान बोल रहा है तो यहाँ की मान हमेशा यहाँ की मान के लिए 2 गुना होता है, ठीक है, तो 140 अंश हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। इसमें अगली क्वेश्चन है पांचवा, क्या बोल रहा है, 24 महीनों में कितने बार अर्धवार्षिक आएगा, तो 24 को 6 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपकी, है ना, 6 × 6 = 6, 6 × 24, तो आंसर कितनी आएगी, 4 आएगी यहाँ की, क्लियर, ठीक। सत्य असत्य देख लेते, पहला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष फल, तो क्या ये सही है भाई, हाँ सत्य है। दूसरा, sec²θ - tan²θ का मान 15 होता है, असत्य है, वो 1 होता है उसकी मान, ठीक। अगली बात कर लेते हैं,
तीसरे में आवर्ती जमा खाते में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, तो नहीं, बचत खाता में हमेशा ब्याज अब ज़्यादा मिलता है, आवर्ती खाता में कम मिलता है। चौथा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, तो नहीं, ये भी असत्य, अर्धवृत्त में बना कोण 180 अंश की होती है। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 6 है बोल रहे थे, इसको आपको हल करके देखना पड़ेगा, हल करके जरूर देखेंगे, ये सत्य है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न 2 क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात करने हम लोग को, है ना, इसको बहुत ध्यान से समझो, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है, 100% श्योर है इसी के आसपास के क्वेश्चन आएगा, जो ये वैल्यू है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बस जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो जैसे दिया है, सबसे पहले दिया है को लिख लिए, फिर इसमें जो छोटा वाला उसको चेंज कर लिया, जैसे कि मैं भाग 1 में बताया था आप लोग को, 1090 माइनस थीटा कर लिया है ना, फिर इस तरीका से ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगी सेम हो करके, और वहाँ 1045 की वैल्यू कितनी हो रही, 1, तो ये 4 है ना, तो फिर इस तरीके से आंसर हम लोग का आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसमें दिए हुए आंकड़ों 4, 2, 9, 7, 6, 8, 6, 5, 6 और 10 का बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेना है भाई, इस तरीके से। ठीक, बढ़ते क्रम में लिखेंगे फिर जो ज्यादा बार आएगा वही हमारी आंसर होगी, देखो यहाँ 6 अधिक बार आया इसलिए वही हमारी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स इतना है तो पी ऑफ 0 तथा पी ऑफ 2 कमाने निकालना, इसको ध्यान से देखो भाई, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, यदि भाग 1 भाग 2 आ गया है, अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जल्दी जाकर के देख लो, और वहां से 100% जो अपनी तैयारी को फिक्स कर लो। यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चैप्टर वाइज भी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं 60 से लेकर के 75 नंबर के लिए। ठीक है, पहला पी ऑफ एक्स बराबर इतना दिया, एक्स की घात 2 + 3x इतना दिया, इसको मैं समीकरण 1 मान लिया ताकि मुझे वैल्यू रखने में आसानी हो। समीकरण 1 में एक्स बराबर 0 रख दिया क्योंकि मुझे पी ऑफ 0 निकालना था, तो जहां जहां पर एक्स है वहां 0 रख दोगे फिर आंसर इतनी आ जाएगी। क्लियर, उसी तरीका से इसमें पी ऑफ 2 निकालना है इसलिए 2 रख दिए, है ना, समीकरण में 2 रख दिए, तो फिर 2 का वर्ग तो 4 हुआ, 3 × 2 = 6 और ये 2 की 2 तो सभी को जोड़ेंगे तो कंप्लीट 12 होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, देखो क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा बिंदु दो बिंदु दिया हो उससे जाती तो रेखा की प्रवणता, तो बिंदु दिया है तो उसको इस तरीके से लिख लेना है, फिर वहाँ उसका वैल्यू इस तरीके से निकाल लेना है। प्रवणता की सूत्र आपको याद होगी तो आप लोग आराम से कर लेंगे कि y2 - y1, तो सभी वैल्यूज को रखेंगे तो आपकी आंसर्स आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ग समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है ना, तो आप लोग को इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी तरीके से ये इसको तो मैं सभी चीज़ को बता चुका हूँ वीडियो में, सभी चीज़ को डिटेल बताया हूँ ताकि आप लोग को किसके किसके लिए इस लाइन को याद रखना और ऐसा निकालना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से अच्छा और सभी लोग अच्छे से स्कोर कर पाए। और आप लोग चाहते हैं कि सेट बी और सेट सी का भी सॉल्यूशन वाली वीडियो आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं उसकी वीडियो देखने में, है ना। यदि संख्याएं इतना है तो 8 का माध्य 10 है, मतलब इतनी संख्या है और उसकी माध्य कितनी दी हुई, 10 दी होती, इसको लिख लेना है, दिया है आंकड़े तो 6, 4, 7 इतना दिया, उसको लिख लिए, माध्य 10 दिया तो 10, फिर चूंकि माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या है ना, फिर माध्य 10 दिया तो 10 रख लिए, फिर यहाँ पर वैल्यू प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कर लिए। क्लियर, अब आगे देखो, फिर इस 5 को यहाँ भेज दिया है ना, तो 10 × 5 हुआ तो फिर 50 कर लिए, फिर यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे जो जो जुड़ेगा उसको, तो 25 + p है ना, तो 25 को फिर इधर भेज देंगे क्योंकि हम लोग को पी का मान निकालना है, तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि उस साइड प्लस में, तो यही हमारी आंसर्स हो जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, यदि एक घनाभ की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेना है ना, तो सबसे पहले आप लोग दिया करके लिखेंगे, देखो इसमें लिखने का तरीका भी सीखो, सभी चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से किया हूँ ताकि आप लोग के जो एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। देखो इन तीनों में देखो बराबर की जो चिन्ह सीधे में, फिर अगले में जो अगला जो लेवल है उसमें भी सेम होनी चाहिए, एक सीध में होना चाहिए बराबर का, है ना, सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना और अतः लिखना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दिया है उसका 12वां पद निकालना है, तो सबसे पहले दिया करके लिख लेंगे, फिर यहाँ पर देखो पहला पद ए, डी निकालेंगे तो ये द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना पड़ता है, फिर आ गया 4 और एन 12वां पद को बोला इसलिए एन,
फिर सूत्र इस तरीका से होता है, तो हम उसको हम जानते हैं सूत्र करके लिख सकते हैं, सभी में ये लिखने का तरीका होता है ना, इनवा पद का फॉर्मूला ये होता है, फिर बारवा निकालना है तो इसलिए ए 12 हो जाएगा, और यहाँ पर सभी वैल्यूज को रख करके हल कर लेना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 10वीं नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को दो मोल दिया हुआ था, ये दोनों मोल को दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र ये, मोल ज्ञात कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण का सूत्र है ना, ये सूत्र में डायरेक्ट मान रख दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, फिर आंसर जो है आपकी कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यदि गोले का पृष्ठी क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन, आप लोग को बेलन और गोला पढ़ लेना है भाई, ये चार नंबर की क्वेश्चन जो यहां से स्टार्ट होते हैं तो सेम उसी पार्ट से ही चार नंबर का आएगा। गणित सबसे आसान है, सभी विषय से आसान है, इसमें पढ़ना आसान है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होती है वो आराम से फिक्स होता है, नंबर बस चेंज होता है, हम लोग किसी एक साल का भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना तो समझो हम पास हो गए। अगर ज्यादा स्कोर करना है तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया, आयतन निकालना है, तो हम लोग चूंकि इसमें से हम लोग को अब आयतन निकालने के लिए आर की वैल्यू चाहिए है ना, तो इस तरीके से हल कर लेंगे, कंप्लीट 216 दिया तो इसमें तो 4π को भेज देंगे नीचे है ना, फिर उसको कटाएंगे तो इसको देखो 4 से कटाए, 616 को 154 हुआ, और इसको पाई का मान 7/22 हो जाएगा क्योंकि गुणा में चेंज करेंगे तो है ना, तो फिर ये 22 एकम 22 और 22 7 154 होता है, इसी को आगे हल किए हैं, देख सकते हो यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो फिर 7 × 7 तो 49, तो फिर घात को भेज देंगे तो करड़ी में बन जाएगा, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो इस तरीके से हमारी आंसर्स हो जाएगी। फिर हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन का सूत्र ये होता है, देखो यहाँ पर भी सभी में बराबर का ध्यान रखा गया, तो इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे ना तो लगभग लगभग आपको 75 नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट करना सीख जाओगे, अच्छे से चेकर को पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे, इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसको भी हल कर दिया गया है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात करो, तो यदि आप लोग बहुलक ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, अध्याय लिखा होगा उसमें, अध्याय 16 करके। ठीक है, उस एक वीडियो को देख लो, आप लोग तीनों चीज सीख जाओगे, चार नंबर जो है आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तीनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ ताकि आप लोग जो एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर पाओ है ना। इसके अथवा हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसमें भी हम लोग को जो चीज़ें जरूरी है इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो संचयी बारंबारता ऐसे निकालते फिर इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, आ जाता है। फिर माध्यिका अंश जरूरी होती है, और कहीं ना कहीं इसकी वीडियोज देखोगे, मात्र एक वीडियोज देखोगे, 5 मिनट दे दो, आपकी 4 नंबर फिक्स करा के रहूंगा मैं है ना, तो वीडियोज देखेंगे जरूर ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो पाए। फिर प्रश्न नंबर 13, इसको इसमें देखो, मूलधन 300 रुपये पर 5, तो आपके क्वेश्चन बैंक में जो है आपके हम लोग का क्वेश्चन में 100 रुपये दिया है, तो ये बुक में 300 था, तो उसी का आंसर ले लिया हूँ ताकि ये समय मेरे लिए बचे और आप लोग भी उस 100 से भी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। ठीक है, देखो इसी तरीके से नंबर जो है चेंज होता है। अब बात कर ली इसकी आंसर्स की PDF का, तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, सभी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग की जो तैयारी में कोई बाध्यता ना हो, आप सभी चीज़ों को अच्छे से आराम से कर पाओ। ठीक है, तो सभी का आंसर्स आप लोग को आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। आपको प्रमेय भी करना है, थेल्स प्रमेय इस बार आ गया, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय कर ले भाई, है ना, क्या है कि उसी के हिसाब से आया। अब इसमें देखो हम लोग का ये तो प्रूव करना आप लोग को जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में है ना। देखो ये वाली प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, सीध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए, तो आप लोग चक्री चतुर्भुज कर लेंगे इस बार के लिए। ठीक है, दो प्रमेय मैं रिकमेंड कर रहा हूं, देखना दोनों में से आ सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 15, अमित ने बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यहां से जो हम लोग का 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा से किस चैप्टर से आएगी, 8 चैप्टर से आएगी और 13 चैप्टर से आएगी, इसलिए अच्छे से ध्यान में रखेंगे सभी। अमित ने बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को दिया कर किस तरीके से लिख लेना है, मूलधन P बराबर इतना, N बराबर 2 वर्ष दिया, तो इसको हमेशा आवर्ती जमा खाता में महीनों में होता है, इसलिए 24 माह हो जाएगा, और समय जो है 6 प्रति सॉरी आर जो है
6%। तो इस तरीके से कर लेंगे। फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखना सीख गए, कटाना सीख गए, तो समझो ये पूरी खेल को समझ गए। और आप लोग इसको कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, सभी का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है भाई हमारा चैनल में। पूरा मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है। हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो पहले से ये वीडियो अपलोडेड है इसमें, है ना। असाइनमेंट की वीडियोज़ भी हम लोग बोर्ड में ही समझाए हैं, ऐसे PDF दिखाने वाला नहीं था, आप लोगों को पता है जो पहले से इस चैनल पर बने हुए हैं ना। तो सभी लोग बहुत ध्यान से करेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक। देखो फिर 16 में क्या आएगा, अध्याय 13 का पढ़ेंगे, सिर्फ दो क्वेश्चन करके आना, पढ़ के जाना है आप लोग को। एक अंतर्वृत्त का पढ़ लेना और एक परिवृत्त। अब दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलोगे दो क्वेश्चन सब नहीं आया, तो आप लोग को बनाने आना चाहिए, उस टाइप से पढ़ो भाई, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आप लोग को हर एक कंडीशन के लिए, एक कोण के लिए, दो कोण के लिए, तीनों भुजा के लिए बनाने आना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। इसका रचना के पद भी आप लोग को, अगर इसका वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप लोग भी अध्याय 13 में क्लिक करो, आपको डायरेक्ट वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और अध्याय 13 में क्लिक करोगे जिसमें डिस्क्रिप्शन में जा करके, तो उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले। फिर हम लोग का प्रश्न नंबर 17वां ये है, इसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आएगा और एक है जो सिद्ध करने वाला आएगा हम लोग का प्रश्न नंबर 17वां या 18वां में, ठीक है। त्रिकोणमिति से 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, लघुत्तम ले लेना है इस तरीका से, देखो, ठीक है। इसमें बाहर निकाल ले दोनों में से cos थीटा को बाहर निकाल ले ताकि आसान हो जाए चीज़ें। फिर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेकर के अगले लाइन में देखो तिर्यक गुणा किया हुआ है। लघुत्तम में क्या होता है, नीचे नीचे के गुणा फिर तिर्यक गुणा, यहाँ का यहाँ लिखे ना, देखो 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगी और 1 और 1 2 होगा, तो उसी को देखो लिखा गया यहाँ पर। और यहाँ इसको कैसे लिखा गया, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस है, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा, इसलिए a का वर्ग मतलब 1, b का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा किया गया, क्लियर। नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप लोग को फॉर्मूला भी लिख लेना है। फिर इसके आगे इस तरीके से होगा, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले, यहाँ से एक कॉस कटेगा, ठीक है। तो आंसर जो है कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक। हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, थीटा का मान निकालना है, तो कॉस को मैं भेज दे तो 4 कॉस, तो फिर 4 को यहाँ भेज दे तो बटा में आएगा, है ना। अब इसको कटा देंगे तो 1/2। अब टेबल को चेक करें कि कॉस थीटा में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप लोग को पता चल जाएगी इसके आंसर्स की। कॉस 30 का मान जो है कितनी होती है, 30 अंश होते हैं, 30 अंश की मान जो है 1/2 होती है, तो थीटा का मान कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्लियर। इसमें ऐसे लिखा, ठीक है, कॉस 60 पे आप लोग चेकआउट कर लेंगे, आंसर थीटा इतना लिया हुआ है, तो ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोग को। अगली इसमें आप लोग को सिद्ध करने वाला है, तो इसी टाइप जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर क्लिक कीजिए, वहां से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी का सभी मिल जाएगा, और उसमें से गारंटेड है कि सभी क्वेश्चंस आने की चांसेस है, उनमें से ही आप लोग तैयारी करेंगे तब की तैयारी जो 100% हो जाएगी। और इधर उधर होता भी है तो आप लोग कर लेंगे, वैसे भी अथवा में रहता है तो अगर उतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो आराम से बन जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 18 भी 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो कितनी आसान आ गए हमारे लिए, कहीं ना कहीं से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन है, उसको करोगे ही करोगे, ठीक है, के मानने वाला। और इसमें के का निकाय वाला आपकी पूछा गया है इसलिए, और मॉडल्स पेपर में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, इसलिए के निकाय वाला जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। वो क्वेश्चन इसमें 8 होना भूल गया, मैं आपको लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, 8 नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस आपके अपडेट मिले और उससे आपकी जो तैयारी 100% हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।